तुम्हें मैं काली लगती हूँ? अरे नहीं ना, हम तो ऐसे ही बोले। मुंह मत खुलाओ, मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये सब काहे लगाती हो? सुंदर बनने के लिए? हाँ मतलब तुम मानती हो कि तुम वैसे सुंदर नहीं हो, ये सब का जरूरत है तुमको सुंदर बनने के लिए? तुम तो जैसे बहुत ज्यादा सुंदर हो ना। और नहीं तो क्या, हम थोड़ी लगाते हैं इतना सब चीज। तुम इसलिए नहीं लगाती क्योंकि तुम ये सब कुछ खरीद नहीं सकती। तुम फिर मुंह फुला रही हो, मेकअप खराब ना हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब ठीक है, तुम जब मेकअप लगाती नहीं हो तो पूछ क्यों रही हो? हाँ तुमको पता नहीं है? अरे हमको बता दो, हम हंसी थोड़ी उड़ाएंगे, हम पता करके तुमको बता देंगे। जी मेरा सामान है तो मुझे पता होगा ना। तो भाव खाए खारी, बता दो ना कि क्या है। जिसके फेस पे दाग होते ना वो ये लगाते, इसे यूज करने से दाग चले जाते। अच्छा तो सब दाग छुपा देता है? हाँ। सुनो मतलब जो बोलते हैं ना, जो कोई गलत काम किया उसके चेहरे पे दाग लग जाता है, वो भी दाग छुपा देता है? क्या बकवास कर रही तुम, रखो उसे वहाँ पे। अरे तुम गुस्सा काहे करती हो, हम पूछ रहे हैं ना तुम कब से लगा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब तुम कितना दाग छुपाई हो? तुम ना अपनी लिमिट में रह के बात करो, इस तरीके से बात नहीं कर सकती तुम मुझसे। क्या समझा तुमने मुझे? हाँ देखो तुम ऐसे बोलोगी तो हमको यही लगेगा ना कि तुम कोई कांड की हो जो छुपा रही हो। जस्ट शट अप। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अरे तुम हाथ लगा के दिखाओ हमको। वो तुम क्या कर रही? तुम ये पट्टी क्यों निकाली, वापस लगाओ। ये तुम बीच में मत बोलना, मैं इसे आज मार डालूंगी। अरे तुम हमारा उंगली दबा के दिखाओ तो। अरे बट हुआ क्या है? अरे जब से ये बोले जा रहे, कभी मेरे कैरेक्टर के ऊपर, कभी मेरे मेकअप के ऊपर, मेरा दिमाग खा गई है। ये कुछ क्लियरली बताओगे, बोला क्या है ऐसा उसने? दिमाग होगा तब ना खाएंगे। देखा किस तरीके से बात कर रही है। तो तुम चुप रहो यार। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना टाइम वेस्ट मत करना। टाइम पास कर रही हो क्या यहाँ पर? मैं बोला था ना दादी के पास जाना या घर वालों के पास जाना और उनके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करो, यही काम है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम हमको भेज दी लेकिन बता ये करना क्या है? अरे अपना दिमाग में तो लगा सकती हो यार। वो सब हम नहीं सोचेंगे, तुम लोग की तरह चालबाज औरत नहीं है, उल्टा काम में हमारा दिमाग नहीं चलता है। सीधा सीधा बोल दो क्या करना है, हम कर देंगे। नहीं तो दोस्त से पूछ लो अपनी, तो बड़ी एक्सपर्ट लगती है। देखा किस तरीके से बात कर रही है। यार तुम चुप रहो ना। और तुम चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें आके बाहर बता दूं क्या करना है, तुम बाहर निकलो। तनु तुम शुरू रखो ये सब अपना। गोरी गोरी लाल लगा। क्यों इसके मुंह लगती हो यार, यानी क्या क्या बोले जा रही? भाभी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है और कैसा चल रहा है सब कुछ वहाँ पर? बस यार अभी यहाँ पहुँचा हूँ, अब मिलता हूँ मिस्टर खंडेलवाल से। अच्छा ये एक बात बताइए, हरियाणा कैसी जगह है? मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर। जगह बहुत अच्छी है, मुंबई और हरियाणा में बहुत डिफरेंस है। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और सोबर हैं। कैसा डिफरेंस? चौथी वाली प्रज्ञा और पहली वाली प्रज्ञा में बस क्या रहा है? आई एम सीरियस यार, बहुत बदल गई है। तू खुद को देख, मेमोरी आने से पहले कैसा था और अब कैसा हो गया? नहीं यार लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा बदल गई है, मतलब अगर उसका फेस बदल जाता ना तो पता नहीं मैं क्या करता। तू तब भी उन्हें उतना ही प्यार करता? हाँ वो तो है, क्योंकि जब भी मैं उसे देखता हूँ ना तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। लेकिन यार जब भी वो कुछ बोलती है ना तो लगता ही नहीं कि प्रज्ञा है वो। देख अभी अगर तुझे थोड़ा डाउट है तो बेटर होगा कि तू किसी एक्सपर्ट को दिखा ले। अरे नहीं नहीं पूरा, उसे अब इलाज की नहीं बल्कि देखभाल की जरूरत है। मैं उसे वो सब करने दूंगा जो वो करना चाहती है, शायद इससे वो जल्दी ठीक हो जाए। पूरा जब मेरी मेमोरी चली गई थी ना तो उसने मुझे संभाला था, अब मैं उसे संभालूंगा। वो मेरी मेमोरी वापस लेकर आई थी ना, अब मैं पुरानी वाली प्रज्ञा को वापस लेकर आऊंगा। इतना प्यार दूंगा ना कि उसे दोबारा मुझसे प्यार हो जाएगा। और मेरी बात मान तो, अब तू भी किसे ढूंढ ले यार, तू भी किसी से प्यार करना शुरू कर दे, तू भी पहला वाला पूरा बन जा। यार तू फिर से शुरू हो गया। मैं शुरू नहीं हो गया यार, मैं वही चाहता हूँ जो बुलबुल चाहती। अब तू मुझे बता, तू बुलबुल की बात नहीं मानेगा क्या? देख अभी मैं बुलबुल को भूल के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुझे भूलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुझे उसकी यादों से बाहर निकलने को कह रहा हूँ।
यार तू लाइफ को एक नई शुरुआत दे, लोगों को मिल। हो सकता है तुझे बुलबुल जैसी कोई लड़की मिल जाए जो तुझसे उतना ही प्यार करे, शायद तुझे उसमें बुलबुल नजर आए। अच्छा ठीक है, अभी जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो काम कर लूँ। यार पूरब तो मेरी बात सुन, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना ना तेरी लाइफ नहीं है। तू अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना यार, अपने लाइफ को जी तो सही। अच्छा चल मिस्टर खंडेलवाल आ गए हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। चल बाय। मुझे पता है मैंने क्या किया ऐसी, अरे हुआ क्या कि वो जमीन मैंने जो बेची थी ना, अरे उसका इतना कैश मिला है, तो भाई इतना सारा कैश खड़ा लेके थोड़ी ना जाऊंगा मैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। सर लेकिन मैं इतना कैश लेके ट्रैवल नहीं कर सकता, और यहाँ अनजान शहर में इतना पैसा रखना सेफ नहीं है, मैं इसे कैसे संभालूंगा। ओए बूढ़ा भाई यार, तू भी ना एक छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा है क्या, जो इतना बड़ा बैग कुल्फी समझ के कोई छीन लेगा। और नहीं ना यार, करोड़ों का कारोबार करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मिलता के नहीं, ये तो 50 लाख है यार, सवाल करता है। सर अपना शहर होता तो मैं संभाल लेता, अब यहाँ अनजान शहर में मैं। ओए यार तू ना बहुत टेंशन लेता है, सुन एक काम करते हैं, एक कैश ना बैंक में छुपा देते हैं। हाँ हाँ, अरे भाई बैंक में जमा कर देना, आप मुंबई जाके निकाल लेना, हो गया काम। लेकिन सर अब क्या, ओ यार ये बता अब तुम्हारा बैंक कौन सा है? प्रिंसिपल बैंक। ये ले, हो गया काम, अरे उसकी एक ब्रांच इतनी है हाँ? पूरे 50 लाख रुपए हैं बैग में, वो भी कैश। क्या बात कर रही है, कौन से जो इतना पैसा लेके जा रही है? वो रॉकस्टार है ना अभी, वो मुंबई वाला। कौन वो? हैप्पी लव, हैप्पी लव। हाँ वही, वो इसका मैनेजर है, अभी पेमेंट लेने आया है, इस होटल से अभी बाहर निकलेगा, मार दे चपटा। दिमाग खराब से सारा, होटल के बाहर सिक्योरिटी देखी से, मारे को फंसाने का प्लान बना रहा से। तू इतना बता कौन से बैंक जा रहा से, कितने बजे जा रहा से और कहाँ से जा रहा से, पल पल की खबर देता रहे, तब तारे को थारा हिस्सा मिलेगा। पर इस वक्त मैं नहीं आ सकता, मुझे इस वक्त साहब के साथ एयरपोर्ट जाना है। इब तू देख ले तारे को साहब के पीछे जाना से के पीस होके। 5 तक का चाहिए तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। लेकिन ओए लक्की, लक्की ओए, साहब बुला रहे हैं, फोन रखता हूँ। हेलो हेलो जी साहब जी। ओए लक्की ओए जी साहब जी, ये जो है ना पूरब है, सटा मित्र है, मुंबई से आया सी। तो उन पर जो बुरी नजर का साया है ये सब हट जाएगा, उनका प्यार का रिश्ता जो है और भी मजबूत हो जाएगा। हमारी प्रज्ञा तो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और जहाँ तक के आलिया और तनु को भी घर का बुरा नहीं करने दिया। इसी तरह हमारा जो अभी है वो तो इस घर का विष्णु है, प्रज्ञा की तरह उसने भी सबको संभाल के रखा है, सबकी खुशियों का उसने ध्यान रखा है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उन पर जो ये बुरा साया है, किसी की नजर लगी है उनको, उसको हटाने के लिए हम ये सत्यनारायण की पूजा करें। पता है ना आपको, जंगल में इन दोनों ने दोबारा शादी कर ली और हम तो उसमें थे ही नहीं, और मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी की जो रस्में है ना वो सारी की सारी फिर से इस घर में हो, और इन रस्मों की शुरुआत जो है ना वो कल सुबह सत्यनारायण की पूजा के बाद ही शुरू होगी। फिर तो दीदी पूजा के बाद पार्टी ढोल शोल सब ना, तुझे नाचने के पहले पड़ जाती है। अरे मासी जी, अरे सारा परिवार मिलके बैठेगा पूजा में तो मजा तो बड़ा आना ही है ना। हाँ ये तो सही, हम समझ लेंगे कि हम अभी और प्रज्ञा के शादी के मंडप में बैठे हैं, क्यों है ना। पर दादी एक क्वेश्चन था कि अभी मान गया पूजा के लिए? मान तो नहीं रहा था, लेकिन प्रज्ञा ने उसे मना लिया, क्योंकि वो जानती है कि सत्यनारायण की पूजा का पति पत्नी की जिंदगी में क्या महत्व है। पर दादी हम दोनों के समय ये सब क्यों नहीं हुआ? अरे वो इसलिए क्योंकि उस समय सब कुछ ठीक था, अभी इस समय अभी और प्रज्ञा के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो सब सही करने के लिए पूजा की जा रही है। ये जो तेरे दिमाग में ऐसी बातें घूमती रहती है कि मेरे लिए क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं, ये बातें तू अपने सास से किया कर। और इस वक्त कहाँ है वो? सबको बुलाया था ना मैंने, तो वो किधर गई? कामचोर है और क्या। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।